पंचकूला के सेक्टर 5 धरना स्थल में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में सैकड़ों की संख्या में कार्य कर रहे वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर सरकार से सर्विस बायलॉज में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर वर्ष 2014 से सर्व शिक्षा अभियान के तहत आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा की एजुकेशन सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं। हरियाणा के कुल 372 वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें सर्विस बायलॉज में शामिल किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए पहले। पवन कुमार मिथातल से जी, मैं ऑल इंस्ट्रक्टर संघ प्रेसिडेंट हरियाणा सर्व शिक्षा अभियान से। तो क्या डिमांड है जिसको लेके आज पंचकूला में आज धरना दे रहे हैं, किन मांगों को लेके धरना? हमें लगे हुए लगभग 7.5 वर्ष हो गए हैं। हमें आज तक जो हमें कोई भी किसी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई है। हम हमारे जो अधिकारी हैं उच्च अधिकारी उनको हमारी एक ही डिमांड लेके आए हैं कि हमें जो परिषद का सर्विस रूल है उसमें हमें शामिल किया जाए। बायलॉज की मांग की जा रही है, अभी लागू किया जाए तो उससे पहले के जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है ये बायलॉज? जो 2017 में मीटिंग हुई थी जिससे कि जनरल काउंसलिंग की, उसमें सीएम साहब ने कर दिया था कि जो जितने भी जो हरियाणा स्कूल शिक्षा परिषद के डायरेक्ट कर्मचारी हैं उनको सभी को शामिल किया जाए। 2019 में वो लागू कर दिए गए। जो बाकी जो हमारे जो साथी जो इम्प्लॉय थे और कैटेगरी के उनको सबको शामिल कर लिया गया है, लेकिन हमारे जो वर्क इंस्ट्रक्टर की पोस्ट को केवल उसी को उसमें अनदेखा करे हुआ है अभी तक। कितने लोग हैं जिनको अभी तक ये सुविधा जो है नहीं दी जा रही? हम 372 लोग हैं, उनको हमें अभी तक ये सुविधा नहीं मिल पाई। तो स्कूल में किन किन जो है? हम सरकारी स्कूलों में हमारी ज्वाइनिंग जो है एक कला के क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में की गई है, जिसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट के म्यूजिक वोकल, म्यूजिक तबला, ड्रामा और डांस के। तो अभी तक किसी सरकार से या विभाग के अधिकारी से बातचीत हो पाई है, मांग रखी है आपने? हमने जो हमारी मांग को है एसपीडी साहब से और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी एडीसी हैं जो चेयरमैन होते हैं हमारे समग्र शिक्षा के, उनके माध्यम से और ईएम शिक्षा मंत्री जी से, हरियाणा सरकार के जो हमारे PS2 CM अमित अग्रवाल जी हैं उनके पास, और CM से भी हम 3 बार मिल चुके हैं इस बारे में। तो क्या आश्वासन मिला? क्या वहाँ से हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला जिसके कारण हमें अनिश्चितकालीन धरने पर आने पर मजबूर होना पड़ा। तब से आप यहाँ बैठे हैं, अगर मांग फिर भी नहीं मानी जाती है या सुनवाई नहीं होती तो आने वाले समय में क्या किया जाएगा? अगर हम 21 फरवरी से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने को लेकर जारी है, अगर हमारी समय रहते सरकार ने मांग को पूरा नहीं किया तो हम ईएम उसका घेराव करेंगे, फिर उसके बाद में हमें विधानसभा का घेराव भी करने की हमारी योजना है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।